जम्मू कश्मीर में एक तरफ सेना आतंकियों के सफाई के अभियान में जुटी है, वहीं सूबे में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही पीडीपी के एक विधायक ने इस मसले पर विवादित बयान दिया है। पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर ने जहरीला बयान देते हुए कहा है कि कश्मीर के आतंकी शहीद हैं और वो हमारे भाई हैं। मरकजी सरकार ने इंटरलॉक्यूटर या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, उसको सबसे बात करनी चाहिए, इंक्लूडिंग हुर्रियत और मिलिटेंट से भी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं जो मिलिटेंट जो मर रहे हैं। मिलिटेंट जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं। उनका मरना किसी भी लिहाज से हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, मुझे लगता है ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। मीर के इस बयान के बाद पीडीपी के साथ बीजेपी के गठबंधन पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, ये टेररिस्ट हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये जो है वो कश्मीर और कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, उनकी तरक्की के दुश्मन हैं, उनके सुकून के और अमन के दुश्मन हैं। वो कैसे किसी के भाई हो सकते हैं? गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी स्थानीय आतंकवादियों से आतंक का रास्ता छोड़कर घर वापस लौटने की गुजारिश की है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ में सेना भी सख्ती से ऑपरेशन ऑल आउट को पूरा करने में जुटी हुई है। ऐसे वक्त में बीजेपी की सहयोगी पीडीपी के नेता एजाज अहमद मीर का बयान नया सवाल उठा गया है। सवाल उठ रहे हैं कि सीमा पर सख्ती बरतने वाली सरकार अपने सहयोगी की वजह से ही बार बार अपनी फजीहत कब तक करवाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।